Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, भारत में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हर साल करीब 140 फिल्में रिलीज करती है। अब तक भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म मनोज तिवारी की ससुरा बड़ा पैसा वाला है। इसकी कमाई 20 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई थी। बॉलीवुड की तरह ही भोजपुरी में भी अभिनेत्रियों की फीस अभिनेताओं से कम है। इनमें बड़े नाम मनोज तिवारी, पवन सिंह, खेसारी लाल और निरहुआ जैसे स्टार्स के हैं। लेकिन आज हम आपको पवन सिंह की संपत्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। लॉलीपॉप लागेलू गाने से लोगों की दिलों में जगह बनाने वाले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर गायक और अभिनेता पवन सिंह आज रईसों की जिंदगी जी रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मुंबई में 3 करोड़ रुपए का घर और 78 लाख रुपए की मर्सिडीज कार खरीदी है। इससे पहले वे 25 लाख की कीमत वाली फॉर्च्यूनर गाड़ी से चलते थे। पवन सिंह ने अपनी नई मर्सिडीज गाड़ी के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किया है। पवन सिंह ने मुंबई के लोखंडवाला में 3 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का फ्लैट खरीदा है। इसकी फोटो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। मूल रूप से बिहार के आरा जिले के रहने वाले पवन सिंह अपने रईसी ठाट बाट के लिए भी जाने जाते हैं। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने कभी अपनी संपत्ति को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनके पास लगभग 36 करोड़ की संपत्ति है। इन्होंने अभी तक 80 फिल्मों में काम किया है। पवन सिंह एक फिल्म के लिए 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं।